तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के स्टूडियो पे एक फ़ोन दिखाने वाला हूं जो एक गेमिंग फ़ोन आने वाली है। इस फ़ोन की प्राइस आपको 23 से लेके 24,000 के बीच में होने वाली है। एंड ये फ़ोन जो है ना गाइस, आपको एक फ्लैगशिप लेवल वाली फ़ोन आती है ना, वो वाली फीलिंग आपको इस फ़ोन के अंदर देखने के लिए मिल जाती है। एंड गेमिंग परफॉर्मेंस के अंदर बहुत ही तगड़ा परफॉर्मेंस है। कैमरा में भी आपको 108 मेगापिक्सल का कैमरा देखने के लिए मिल जाती है, ट्रिपल कैमरा सेटअप है। एंड चार्जर में आपको 80 वाट की चार्जर मिलती है। वैसे गाइस ये फ़ोन अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है, 14 दिसंबर को ये फ़ोन लॉन्च हो जाएगा। सो गाइस, इस फोन का नाम है Realme 10 Pro Plus 5G। इस वीडियो पे मैं आप लोगों को इस फोन की गेमिंग भी दिखाने वाला हूँ, कैसा ये फोन गेमिंग के अंदर परफॉर्मेंस देता है। सो बात करते हैं इस फोन की स्पेसिफिकेशन के बारे में। डिस्प्ले में यहाँ पर आप देख सकते हो 6.7 इंच की फुल HD प्लस कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाती है, जिसके अंदर आपको 120 Hz रिफ्रेश रेट का सपोर्ट है एंड HDR 10 प्लस का भी सपोर्ट है। मतलब गाइस, डिस्प्ले के अंदर आपको कोई कमी देखने के लिए नहीं नजर आएगा। ब्राइटनेस लेवल के अंदर भी आपको 950 nits की आपको ब्राइटनेस लेवल देखने के लिए मिल जाती है। मतलब आउटडोर में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है इस फोन की डिस्प्ले में। सो 93.65% की आपको स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने के लिए मिल जाती है। चिन एंड बेजल साइज में आपको ज्यादा ओवर साइज नहीं देखने के लिए मिलती है। मतलब काफी अच्छा डिस्प्ले है इस फोन के अंदर। एंड गाइस, सबसे मेन चीज इस फोन के अंदर आपको MediaTek Dimensity 1080 की चिपसेट देखने के लिए मिल जाती है, जिसके अंदर आपको 11 5G बैंड का सपोर्ट है। मतलब एक काफी अच्छा प्रोसेसर है 5G के अंदर भी एंड आपको गेमिंग में भी। सो गेमिंग के अंदर भी आपको बहुत अच्छा खासा अच्छा परफॉर्मेंस निकाल के देगा। रैम एंड स्टोरेज के अंदर आपको 3 वेरिएंट देखने के लिए मिल जाती है, 6GB 128GB स्टोरेज के साथ एंड आपको 8GB 128GB एंड 8GB 256GB। ऐसा आपको 3 वेरिएंट देखने के लिए मिल जाती है, जिसका टाइप आपको LPDDR4X रैम टाइप है एंड UFS 2.2 की स्टोरेज टाइप है। एंड आप चाहो तो इस फोन के अंदर रैम भी एक्सपांड कर सकते हो अप टू 16GB तक। आपको 8GB वर्चुअल रैम भी ऑप्शन देखने के लिए मिल जाती है इस फोन के अंदर। एंड इस फोन के अंदर आपको 5000mAh की बैटरी बैकअप देखने के लिए मिल जाती है, प्लस आपको 80 वाट की चार्जर है। लेकिन ये फोन आपको 67 वाट फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। मतलब पता नहीं गाइस ये 80 वाट क्यों दिया है, लेकिन काफी अच्छा है। एंड परफॉर्मेंस लेवल के बारे में बात करते हो गाइस, अंतु स्कोर में आपको 5 लाख प्लस आपको स्कोर निकाल के देगा। BGMI के अंदर भी आपको स्मूथ प्लस एक्सट्रीम का सपोर्ट है, HDR प्लस अल्ट्रा का भी सपोर्ट है। मतलब गाइस, गेमिंग के अंदर भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस है इस फोन की। काफी अच्छा सेटिंग्स देखने के लिए मिल जाती है BGMI के अंदर भी एंड कॉल ऑफ ड्यूटी में भी। सो कैमरा के अंदर भी आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप है इस फोन के अंदर। 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा के साथ आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल है एंड 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस मिल जाती है। सो कैमरा के अंदर भी काफी अच्छा 108 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाती है इस फोन के अंदर। लेकिन यार ये 2 मेगापिक्सल क्यों है भाई, ये कब पीछे छोड़ेगा पता नहीं। 5 मेगापिक्सल होता तो काफी अच्छा होता। एंड फ्रंट कैमरा में भी 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने के लिए मिल जाती है। वीडियो रिकॉर्डिंग के बारे में बात करें तो मेन कैमरा में आप 4K 30fps में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो एंड फ्रंट कैमरा में आपको 1080p 30fps का वीडियो रिकॉर्डिंग भी ऑप्शन है। सो गाइस, मैं आप लोगों को इस फोन की पूरा स्पेसिफिकेशन दिखा चुका हूं। अब बारी आती है इस फोन की गेमिंग टेस्ट के बारे में। मैं आप लोगों को कुछ सैंपल वीडियो दिखाने वाला हूं 60fps के साथ। आप अंदाजा लगा सकते हो ये फोन गेमिंग के अंदर कितना परफॉर्मेंस देता है। सो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, यहां पर आप देख सकते हो अभी हम बूट कैंप पर लैंड हो रहे हैं। बूट कैंप एक ऐसी प्लेस है जो गेमिंग टेस्ट के लिए माना जाती है। यहाँ पर हर फोन की हिस्ट्री पता चल जाती है, कितना फ्रेम ड्रॉप करती है गेमिंग फोन के अंदर। सो अब पता चल जाएगा इस फोन के अंदर कितना फ्रेम ड्रॉप करती है, कितना लो जाती है, कितना स्टेबल रहती है, सब कुछ अभी पता चल जाएगा। सो वेट कीजिए। यहाँ पर देख सकते हो लैंड किए 36 पर आ गया है, फ्रेम रेट 36 पर आ गया। सो एक हर स्मार्टफोन के अंदर एक प्रॉब्लम होती है, स्पेशली एंड्रॉइड फोन के अंदर, जो लैंड करते वक्त आपको फ्रेम ड्रॉप डेफिनेटली देखने के लिए मिल जाती है। सो अब पता चल जाएगा इस फोन के अंदर कितना फ्रेम स्टेबल रहती है, 60fps कितना मेंटेन करती है, सब कुछ इस वीडियो पे आपको पता चल जाएगा। सो वेट कीजिए एंड इस गेम को आप एंजॉय भी कीजिए। सो मैं आप लोगों को एंड पे इस फोन के बारे में बताने वाला हूँ।
वैसे अगर 55 से लेके 60 FPS तक आपको फ्रेम रेट मेंटेन रहती है, 50 से नीचे नहीं गया, आपको ये काफी अच्छा फ्रेम रेट देखने के लिए मिल जाती है इस फोन के अंदर। आप 60 FPS को काफी अच्छे से एंजॉय कर पाओगे गेमिंग के अंदर। सो इस वीडियो पे बस इतना ही था गाइस। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कीजिए एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। सो मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।